दोस्तों कांतारा की सुनामी में उड़ा बॉक्स ऑफिस और हिंदी में की धांसू कमाई। कांतारा का अर्थ क्या है, कांतारा फिल्म में दिखाए देवता कौन है और कितनी कमाई अभी तक की है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी की कांतारा बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने हिंदी में जबरदस्त कलेक्शन किया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में फिल्म 300 करोड़ के पार पहुंच गई है। दोस्तों कन्नड़ फिल्म कांतारा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग और डायरेक्शन के लोग दीवाने हो रहे हैं। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर भी अक्षय कुमार की राम सेतु और अजय देवगन की थैंक गॉड जैसी फिल्मों के बजाय लोग कांतारा देखना पसंद कर रहे हैं। सिनेमा घरों के मालिक भी हिंदी फिल्में हटाकर स्क्रीन स्पेस इस कल्चर ड्रामा फिल्म को दे रहे हैं। दोस्तों कांतारा हिंदी में 14 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म ने 21 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई की है। बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वीकेंड से पहले ये फिल्म 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। कोई मोई की रिपोर्ट्स के अनुसार कांतारा ने गुरुवार को 2 करोड़ का कलेक्शन किया है और इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई पहुंच गई 51.50 करोड़ के करीब। दोस्तों बता दें कि कांतारा एक एवरेज बजट में बनी फिल्म है। ये अलग अलग भाषाओं में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। फिल्म सभी भाषाओं को मिलाकर अब दुनिया भर में 350 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। यह फिल्म PS1 से भी कहीं अधिक बड़ी हिट है। ऐश्वर्या राय की PS1 का बजट कांतारा से लगभग 20 गुना है। बावजूद इसके ऋषभ शेट्टी ने इसकी हिंदी कमाई का लगभग आधा हिस्सा बटोर लिया है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड ये फिल्म 60-65 करोड़ के बीच का बिजनेस कर सकती है। हालांकि इस हफ्ते बॉलीवुड की 3 नई फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, लेकिन कांतारा एक बिल्कुल अलग जॉनर की फिल्म है और ये वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर ज्यादा चल रही है। दुनिया भर की बात करें तो इनमें 5वें हफ्ते में बाहुबली 2 को मात दे दी है। आने वाले समय में इसके बॉक्स ऑफिस आंकड़े आपको चौंका सकते हैं। दोस्तों कन्नड़ फिल्म कांतारा की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और हो भी क्यों नहीं। इस फिल्म को लेखक, निर्देशक और लीड एक्टर ऋषभ शेट्टी ने जो काम किया है उसका 10% भी करने की कोई दूसरा एक्टर कल्पना नहीं कर सकता। कांतारा फिल्म को शब्दों में नहीं समझाया जा सकता क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है। इस फिल्म से उन लोगों की भावनाएं जुड़ी है जो देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। दोस्तों कांतारा एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ होता है घना जंगल या उजाड़। यह एक ठीक ऐसा ही शब्द अरबी भाषा में भी है जिसका मतलब ब्रिज होता है। दोस्तों कांतारा फिल्म में जिन देवी देवताओं को दिखाया गया है उनका नाम पंजुरली है। दोस्तों पंजुरली देवता कौन है? पंजुरली एक देवता है जिनके रूप को कांतारा फिल्म में दिखाया गया है। कहते हैं कि पंजुरली जंगलों और जंगल में रहने वालों की रक्षा करते हैं। असल में देवता पंजुरली भगवान विष्णु की श्री वश अवतार है जिनका चेहरा वश जैसा है। दोस्तों भूतकोला त्योहार क्या है? भूतकोला त्योहार दक्षिण भारत के गांव में मनाए जाने वाले त्योहार हैं जिसमें नर्तक श्री वरा अवतार यानी पंजुरी का मुखोटा रखकर धार्मिक नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यह करते हैं उनके अंदर देवी देवताओं यानी पंजुरी आते हैं। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के अंदर लास्ट सीन में पंजुरी आ जाते हैं। दोस्तों अगर आप ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।